YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स के बारे में, साथ साथ जो ब्रॉडर व्यू है मार्केट का उसके बारे में। आपके हर सैटरडे या संडे वीडियो लाता हूं कि ब्रॉडर व्यू मार्केट का अगले सप्ताह क्या हो सकता है, पिछले सप्ताह जो हमने बताया था उसमें क्या एनालिसिस सही रहा, क्या गलत रहा, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बता दें, कभी भी आपको लोन लेकर, किसी से कर्ज लेकर, किसी से उधार लेकर के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपके पास जितनी भी सेविंग्स है उतना ही इन्वेस्ट करें, 500, 1000, 5000, 1 लाख, 5 लाख जितना है उतना ही इन्वेस्ट करें, लेकिन किसी से उधार लेकर इन्वेस्ट ना करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी का। तो देखिये निफ्टी, मैंने पिछले दिन संडे को वीडियो नहीं बना सका था, लेकिन मंडे को बताया था कि यहाँ पर निफ्टी जो है ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट के बाद देखिए लगातार 3 दिन तक निफ्टी जो है अप ट्रेंड में रहा। तो यहाँ पर अभी निफ्टी जो है पूरी तरह से स्ट्रांग रूप से बुलिश नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि ये जो डाउन ट्रेंड का चैनल था, ये जो ट्रेंड लाइन था, रेसिस्टेंस का ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है। तो अभी हम क्या होंगे, बुलिश होंगे या बेयरिश? देखिए अभी ना तो हम बुलिश हैं ना तो बेयरिश हैं। जब तक हम इस हाई को ब्रेक नहीं कर देते, एक नया हाई नहीं बनाते हैं, तब तक हम बुलिश नहीं होंगे और बेयरिश भी नहीं होंगे, जब तक कि हम इस लो को ब्रेक नहीं कर देते हैं। जब तक हम 16400 को ब्रेक नहीं कर देते, हम बेयरिश भी नहीं होंगे। अगर इस रेंज में अगर हम 16400 से लेकर के यहाँ पर 18600 के बीच रहते हैं तो हम एक साइडवेज रेंज में हैं। जैसे हम ऊपर के लेवल को ब्रेक कर दें तो हम पूरी तरह से बुलिश होंगे, और नीचे के ये जो सपोर्ट रीजन है या के ये जो लो बनाया है, इस लो को ब्रेक करते हैं तो हम बेयरिश होंगे। फिलहाल जो हमारा ट्रेंड है वो बुलिश ही है, क्योंकि हम जो लंबे समय से बुलिश में ही आ रहे हैं, और बुलिश में ये स्विंग जो था, ये जो स्विंग था वो डाउन ट्रेंड का था, और ये जो स्विंग स्टार्ट हुआ है, जो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ इस रेसिस्टेंस वाले ट्रेंड लाइन का, ये स्विंग जो है ये स्विंग तेजी का है। मतलब हम शॉर्ट टर्म में छोटे समय इंटरवल में भी बुलिश है और लंबे समय में भी, और ये जो छोटा समय बेयरिश का था वो समाप्त हो चुका है। अगर लंबे समय में ट्रेंड को देखना हो तो आपको वीकली चार्ट का फॉलो करना है। तो देखिए यहाँ वीकली चार्ट लगाते हैं, तो देखिए वीकली चार्ट पर यहाँ पर जबरदस्त यहाँ पर सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर फिर से निफ्टी जो अप ट्रेंड में है, मतलब फिर से निफ्टी में जबरदस्त तेजी यहाँ पे है। तो वीकली चार्ट पर हम बेयरिश तभी होंगे, मतलब हमारा जो मार्केट है वो बेयरिश तभी होगा जब हम 16400 के लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं। तो फिलहाल अभी भी हम बुलिश हैं, कोई भी बेयरिश साइन मार्केट में अभी भी फिलहाल नहीं है। तो जो भी अच्छे फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक्स है उसे हर गिरावट में आपको बाय करनी है। देखिये जैसे ही कोई साइन मिलता है वर्ल्ड मार्केट में, हमारे मार्केट में एक नेगेटिव साइन मिलता है, मतलब एक बड़ी गिरावट का साइन मिलता है, तो वैसे ही अपने पोर्टफोलियो को पूरी तरह से खाली कर लेना है। अब बात करते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स का। तो जैसे देखिए बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में मैंने कहा था अगर इस लेवल को क्रॉस करता है जो कि है 35,500 के लेवल को, तो जबरदस्त तेजी देखने मिलेगा। वही हुआ, बैंक निफ्टी जबरदस्त तेजी दिखाया और ये निफ्टी को काफी सपोर्ट किया ऊपर ले जाने में। फिर यहाँ पर बात करें सेंसेक्स का, तो सेंसेक्स का चार्ट सेम टू सेम निफ्टी के जैसा ही है, क्योंकि इसमें टॉप 30 स्टॉक्स होते हैं, निफ्टी में टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं। इसके बाद आता है निफ्टी नेक्स्ट 50, जिसको हम निफ्टी जूनियर बोलते हैं, मतलब ये निफ्टी का जूनियर इंडेक्स है। तो ये भी देखिए जिस तरह से निफ्टी में बुलिशनेस देखने मिला, इसमें भी देखने मिला। निफ्टी कुछ ज्यादा बुलिश था, ये थोड़ा सा कम बुलिश था यहाँ पर। उसके बाद निफ्टी मिड कैप, अभी निफ्टी मिड कैप भी देखिए काफी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर ये जो हाई लगाया था इसके आसपास पहुंच चुका है। तो अभी इसमें भी बेयरिश साइन नहीं दिख रहा है, जिस जैसा निफ्टी है वैसा ही निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी मिड कैप है, निफ्टी स्मॉल कैप भी उसी के जैसा है। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हाई लगाया था इस हाई के पास आया, यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, मतलब यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर इस रेसिस्टेंस को क्रॉस करता है तो इसका ऑल टाइम हाई जो है वो रेसिस्टेंस का काम करेगा। अगला जो इंडेक्स है वो है निफ्टी एफएमसीजी। निफ्टी एफएमसीजी अभी भी निफ्टी कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ओवरऑल थोड़ा बहुत इसमें भी रिकवरी हमें देखने मिला। ओवरऑल निफ्टी एफएमसीजी अभी भी काफी वीक है। फिर निफ्टी आईटी काफी स्ट्रॉन्ग था। निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी यही इस बार निफ्टी को ऊपर ले जाने में सबसे ज्यादा सहयोग दिया। यहाँ पर देखते हैं निफ्टी आईटी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो निफ्टी आईटी के स्टॉक्स को गिरावट में आप बाय कर सकते हैं। फिर फार्मा सेक्टर भी देखिए रिकवरी दिखाया निफ्टी के साथ, लेकिन अभी भी फार्मा सेक्टर अपने ऑल टाइम हाई के काफी नीचे चल रहा है, मतलब फार्मा सेक्टर जो अभी भी वीक है।
फिर है निफ्टी फाइनेंस। देखिए फाइनेंस भी निफ्टी 50 के साथ रिकवरी दिखाया, मतलब जो हमारा मेजर इंडेक्स है निफ्टी 50 उसमें गिरावट होता है तो सारे सेक्टर में गिरावट होती है। जब निफ्टी चलता है निफ्टी में बुलिशनेस देखने मिलता है तो यहाँ पर सारे के सारे सेक्टर निफ्टी के साथ ऊपर जाते हैं। फिर देखिए ऑटो सेक्टर भी निफ्टी के साथ ऊपर गया, तो बहुत कम ऐसे सेक्टर है जो कि निफ्टी के साथ ऊपर नहीं गया, नहीं तो ओवरऑल सभी के सभी जो सेक्टर है वो निफ्टी के साथ ऊपर गया है। अब देखिए मेटल सेक्टर काफी कम ऊपर गया है तो मेटल सेक्टर अभी भी वीक है, रियलिटी सेक्टर भी काफी कम ऊपर गया तो रियलिटी सेक्टर अभी भी काफी वीक है, तो ये सेक्टर है जो कि काफी वीक दिख रहा है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ये देखिए निफ्टी के साथ काफी ऊपर गया तो ये भी अभी साइडवेज है। मीडिया सेक्टर ये तो काफी स्ट्रॉन्ग था पहले से ही लेकिन निफ्टी के साथ इसमें कोई खास रिकवरी हमें देखने नहीं मिला, मतलब मीडिया सेक्टर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है जो कि 2150 का तो ये वीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो इसमें कुछ खास तेजी देखने मिलने रहा है। सपोर्ट ब्रेक करेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, काफी वीक इंडेक्स हो जाएगा। तो मीडिया सेक्टर में आप जो भी स्टॉक से फ्यूचर ऑप्शन में उसको सेल कर सकते हैं। ये डिफरेंट इंडेक्स थे इंडियन स्टॉक मार्केट के जिसमें किसमें मंदी है किसमें तेजी है ये मैंने चर्चा किया। अब जो ग्लोबल कुछ सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है उसको देखते हैं। क्रूड ऑयल में भी देखिए काफी जबरदस्त तेजी रहा देखने मिला है पिछले कई दिनों से। क्रूड ऑयल में हो सकता है और ज्यादा तेजी देखने मिले क्योंकि जो कजाकिस्तान है उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने मिल रहा है, वहां से अगर क्रूड ऑयल के प्रोडक्ट्स में गिरावट आती है और मांग जो है इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ता है तो क्रूड ऑयल में और ज्यादा तेजी आपको देखने मिलेगा। तो जो इंटरनेशनल न्यूज है इंटरनेशनल क्या इफेक्ट हो रहा है कोविड का, साथ ही साथ इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंट है उसका क्या इफेक्ट हो रहा है क्रूड ऑयल पर उसको देखना है, उस न्यूज का काफी इफेक्ट पड़ता है यहाँ पर। फिलहाल क्रूड ऑयल भी जैसे 6400 के ऊपर जाता है तो काफी बुलिश हो जाएगा। अभी क्रूड ऑयल भी यहाँ पर रिकवरी तो दिखा रहा है लेकिन अभी भी बुलिश नहीं है, देख सकते हैं एक दिन रिकवरी देखने मिलता है फिर एक दिन गिरावट, तो अभी क्रूड ऑयल साइडवेज है। फिर यहाँ पर गोल्ड की बात करते हैं तो देखिए गोल्ड भी यहाँ पर जो है काफी ज्यादा करेक्शन देखने मिला है, कहीं ना कहीं गोल्ड वीक हो रहा है। जब स्टॉक मार्केट में तेजी आती है तो गोल्ड कहीं ना कहीं वीक होता है। अगर गोल्ड इस सपोर्ट को ब्रेक करता है जो कि है 47,250 का, 47,250 को अगर ब्रेक करता है यहाँ पर गोल्ड तो गोल्ड काफी ज्यादा वीक हो जाएगा। तो गोल्ड में अगर वीकनेस आता है तो आप गिरावट में गोल्ड को बाय कर सकते हैं। बिटकॉइन देखिए बिटकॉइन लगातार यहां पर क्रैश हो रहा है, बिटकॉइन में काफी गिरावट देखने मिला है, तो जब तक हमें ट्रेंड रिवर्सल का साइन नहीं मिलता है तब तक हम इसमें बाइंग नहीं करेंगे। तो बिटकॉइन जैसे ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिलेगा वैसे आप बाय कर सकते हैं। फिलहाल ये देखिए काफी ज्यादा यहाँ पर डाउन ट्रेंड में देखने मिला है और थोड़ा सा यहाँ पर कहीं साइडवेज होगा, साइडवेज होने के बाद उस रेंज को अगर ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो हम इसको बाय करेंगे। यहाँ देखिए जैसे रेंज बनाया तो ये रेंज जो था देखिए यहाँ पर इस रेंज को कहाँ ब्रेक किया, नीचे की ओर ब्रेक किया। तो अभी बिटकॉइन जो है काफी ज्यादा मतलब डाउन ट्रेंड में चल रहा है, सारे के सारे जो क्रिप्टो करेंसी है वो डाउन ट्रेंड में है, काफी ज्यादा गिरावट देखने मिला है। देखिए इथेरियम में भी काफी गिरावट है तो आप इस गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले सकते हैं, गिरावट में आप इसको बाय कर सकते हैं। फिर देखिए यूएस डॉलर INR तो डॉलर यहाँ लगातार वीक हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर डॉलर लगातार वीक हो रहा है मतलब हमारा रुपया जो है लगातार स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जहां एक डॉलर का कीमत 76 रुपये पहुंच चुका था वहीं एक डॉलर का कीमत अभी 74 रुपये 18 पैसा के आसपास यहाँ पे है, तो काफी ज्यादा रुपया स्ट्रॉन्ग हुआ है, डॉलर वीक हुआ है। अब देखिए मुख्य जो ग्लोबल मार्केट का इंडेक्स है वो हम डॉ जोन्स को फॉलो करते हैं, डॉ जोन्स को मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया तो यहाँ पर डॉ जोन्स पे आते हैं। तो देखिए डॉ जोन्स में काफी ज्यादा यहाँ पर तेजी था, डॉ जोन्स अपने ऑल टाइम हाई पर था, ऑल टाइम हाई के बाद यहाँ पर लगभग पिछले 3 दिन से यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल रहा है। तो हमारा जो मार्केट है अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है, मतलब निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई से अभी भी काफी नीचे है जबकि डॉ जोन्स अपने ऑल टाइम हाई पे था। यहाँ पर जो लगातार डॉ जोन्स में तेजी था जबकि हमारा इंडेक्स तेजी दिखा नहीं रहा था, मतलब हमारे मार्केट में तेजी नहीं था। पिछले 3 दिनों से डॉ जोन्स में गिरावट हो रहा है तो हमारा मार्केट जो है उसमें तेजी था, पिछले 1 दिन मात्र गिरावट हुई है तो हो सकता है यहाँ से हमारा मार्केट में गिरावट हो अगर डॉ जोन्स में गिरावट होती है। लेकिन अभी भी ग्लोबल मार्केट काफी स्ट्रांग है, ग्लोबल मार्केट में वीकनेस का कोई भी साइन नहीं है। ये तो डॉ जोन्स हो गया लेकिन वही नैस्डेक की बात करें तो देखिए नैस्डेक में काफी ज्यादा यहाँ पर गिरावट देखने मिला है, नैस्डेक जो है अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे आ गया, ये सपोर्ट के आसपास है, अगर यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक करता है तो काफी ज्यादा गिरावट होगा। तो यूएस के जो है कई सारे मुख्य इंडेक्स है, लगभग 3 है जिसमें से 2 को हमने डिस्कस किया, डॉ जोन्स अपने ऑल टाइम हाई पे है, नैस्डेक में वही काफी ज्यादा गिरावट हुआ है। फिर हम यूरोपियन मार्केट की बात करें तो जो यूके का इंडेक्स है वो अपने ऑल टाइम हाई पे है। देखिए ग्लोबल मार्केट में जो अभी का ओवरव्यू है वो मिक्स है, नैस्डेक काफी गिरा हुआ है तो डॉ जोन्स अपने ऑल टाइम हाई पे, यूके मार्केट भी अपने ऑल टाइम हाई पे है,
वही बात करें ब्राजील का इंडेक्स देखिए बोस्पा, तो बोस्पा में काफी ज्यादा यहाँ पर देखिए गिरावट हुआ है। अब ये देखिए बोस्पा में काफी ज्यादा गिरावट थी, ये खास करके कमोडिटी से रिलेटेड इंडेक्स है, मतलब कहीं ना कहीं कमोडिटी से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है उसमें अभी आपको तेजी देखने नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि ब्राजील में आप जानते हैं कि ज्यादातर क्षेत्र जो है जंगल है, वहां से कई सारी कमोडिटी वाली रिलेटेड कंपनियां हैं। इस इंडेक्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होगा? कमोडिटी वाली कंपनियों का। तो कमोडिटी का प्राइस कहीं ना कहीं गिर रहा है, इसलिए इस इंडेक्स का भी वैल्यू देखते रहे लगातार गिर रहा है। ये ग्लोबल इंडेक्स था जिसमें से अभी भी जो यूएस मार्केट है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, उसमें नेस्टेक है थोड़ी बहुत गिरावट हुई है, नहीं तो मार्केट जो अभी भी काफी स्ट्रांग है, मतलब हम अभी भी बुल रैली में है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।